गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बी ब्लॉग। ये मेरा फर्स्ट बी ब्लॉग है, तो कैसा लगेगा ये बताइएगा लास्ट में, ठीक है। आज मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज पे, और आज से लॉकडाउन खुल गया है, कॉलेज पे बुलाए हैं कॉलेज वाले। तो बेसिकली मैं ITI में वहाँ टीच करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ भी हूँ। तो आज मैं कॉलेज पे जाऊँगा और आप लोग सारे कॉलेज का वो वर्कशॉप से रिलेटेड क्लासरूम और टीचर को सभी को दिखाऊंगा कि हमारी रूटीन क्या रहता है। ये फर्स्ट भी ब्लॉग है, तो थोड़ा हो सकता है कॉन्फिडेंस लोअर लेवल कम हो, क्योंकि पब्लिक में ऐसे बोलना बहुत ही मुश्किल होता है सबके लिए। बाकी आज का जो मौसम है अभी अच्छा ही है, काफ़ी बरसे हैं, ये बारिश का मौसम एकदम बना है, घनघोर बादल लगा हुआ है, काफ़ी बारिश हुआ था, दो दिन से बारिश हो ही रहा है। और आप देख सकते हैं मौसम बना हुआ है, अच्छा मौसम लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, पूरा हरा भरा जगह है। तो चलते हैं, हम तैयार होकर मिलेंगे। मैं तैयार होकर निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए, ठीक है। तो कॉलेज में निकलूँगा, जस्ट आप देख सकते हैं कितनी हरा भरा जगह है, ठीक। और जस्ट इस साइड में आप देख सकते हैं कि स्कूल है, जो दौरजा हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस स्कूल है। पीछे ये जो हाईवे गया हुआ है, ये बलिया जाता है, ठीक है। तो हम इसी पे अभी बलिया जाएंगे, और यहाँ से जो बलिया की दूरी है लगभग 15 किलोमीटर दूर है, गड़वार में हम हैं अभी इस टाइम। 15 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैं आपको वहाँ भी चल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कॉलेज दौरजन जो है हमारे यहाँ का फेमस कॉलेज है, ठीक है, स्कूल भी है, जो कि यहाँ से LKG UKG से लेकर 12th तक स्टडी कराया जाता है। चलिए आप देखिए, हम हाईवे की तरफ, ये हमारे तरफ का हाईवे है, जो कि ये रोड हमारा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बलिया है। हम इसी रास्ते पे चलेंगे, बलिया तक की दूरी सफर करेंगे, ठीक है। हम चल रहे हैं दोस्तों बलिया, हमने अपना बाइक स्टार्ट कर दिया है, और ये बलिया के रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गढ़वार से बलिया की जो दूरी है लगभग 15 किलोमीटर है, तो हम 15 किलोमीटर दूर जाने के बाद आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ये बल्कि बहुत ही हरियाली है हमारे यहाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अभी बारिश का सिलसिला जारी है, आप लोग देख सकते होंगे रोड पूरी तरफ भींगी हुई है। तो हम अब बलिया चलकर आप लोगों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बरसात हो रहा है और इसमें हमारा कैमरा भींग जाएगा, इस वजह से इसे अंदर रखते हैं। अब बलिया चल के आपको दिखाऊंगा। देखिए, हम लोग कॉलेज में एंट्री कर गए हैं। देखिए, हम लोग सभी अपने कॉलेज के सभी मेंबर हैं हम लोग, तो आप लोगों को हाय बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है। कैसा है कॉलेज हम लोग का? चलिए, अब मैं आपको कॉलेज का सारा दृश्य दिखा रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें आप लोग ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सभी इलेक्ट्रिशियन की सामान है, जो कि प्रैक्टिकल चलता है। वो ऊपर ले चल रहे हैं, ऊपर जो है फीटर वालों का ही है, यहाँ पे फीटर का वर्क करता है, तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, फीटर का ऊपर ही है। बाकी मैं क्लास भी आप लोग दिखा दूंगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है लड़कों के साथ। अभी लॉकडाउन है तो घर के नहीं आ रहे हैं, हम लोग बुला दिया गया, कॉलेज खुल गया है। हम ऊपर वाली बिल्डिंग पर आ गए, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फीटर वाले वर्क करते हैं। इधर फीटर है, चारों तरफ भी फीटर का वर्क होता है, इधर सब है बेंच वाइस वगैरह लगाए फीटर वालों के लिए, और साथ में इतनी देख सकते हैं लेथ मशीनें लगी हुई हैं, लेथ मशीनें लगी हुई हैं ना, तो इस पर फीटर का वर्क होता है, जिस पर जाप बनवाना पड़ता है, उन लोगों से जाप बनाते हैं चलाकर। और जो रह जाता है कंप्यूटर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, तो कंप्यूटर भी यहाँ पे जो कि अवेलेबल है काफ़ी मात्रा में, अच्छा। और मैं बता दूं आप लोगों को, कंप्यूटर यहाँ पे इसलिए हो गया है कि अब जो पेपर हो रहे हैं ना, ऑनलाइन हो रहा है, इस वजह से देख सकते हैं आगे, ये जो है कंप्यूटर लैब है, ये जो है कंप्यूटर लैब है, ठीक है। तो अच्छा लगता होगा, आप लोगों को भी पढ़ाई करते होंगे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप भी कहीं पर जॉब करते होंगे तो जॉब के बारे में बताएं। अब ऐसे ही कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट हम लोग करते रहेंगे। ये था मेरा कॉलेज जो मैं आप लोगों को दिखाया, और मैं यहीं पे मेरा डेली रूटीन भी यही रहता है कि यहाँ पे 10 बजे आओ और चले जाओ, ठीक है। 3 बजे यहाँ पे हम लोग निकल लेते हैं, 3 बजे छुट्टी हो जाती है, कभी कभी रुकना भी पड़ जाता है 5 बजे तक अगर काम रह जाता है, तो अदरवाइज हम लोग निकल ही लेते हैं। ये मैं अब आप लोगों को क्लास दिखाता हूँ, क्लास कैसा है हमारे कॉलेज। 3rd फ्लोर पे हम ऑलरेडी हैं, तो यहाँ से हमने ऊपर आया,
यह है सीढ़ी और मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हरियाली है यहाँ पे, आगे वो हाईवे रोड गया हुआ है जो कि राजधानी रोड है, और इसके बगल में जस्ट आप देख सकते हैं कितना हरा भरा वो जगह है, ग्राउंड था जो कि अभी बरसात होने की वजह से पूरा हरा भरा हो गया है। पूरा बहुत ही अच्छा दृश्य है। इधर बाहर की तरफ उस साइड में बगीचे भी हैं जो कि जहाँ पे लड़के बैठते हैं, और ये हमारे क्लासेस, अब ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। देखिए यहाँ पे COVID-19 के चलते ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग यहीं पे पढ़ाते हैं क्लासेस में, और वीडियो बनाते हैं और लड़कों को भेज दिया जाता है। जो कि ये हमारे सर हैं धर्मेंद्र सर हैं, ये मैथ पढ़ाते हैं, और यहाँ से हम लोग ट्राइपोड के माध्यम से व्हाइट बोर्ड पे जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके शूट करके हम लोग भेज देते हैं। और ये अनिल सर हैं हमारे, जो कि इलेक्ट्रीशियन को देखते हैं, और हमारे हैं सर सुधीर सर, ठीक है, जो कि फिटर के हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड को बनाया जा रहा है, इसका फ्यूज उड़ गया है तो वही खोला गया है, खोलते वक्त थोड़ा बोर्ड डिसमिस हो गया है। प्रैक्टिकल वगैरह भी चलती है। आप देख जो हम लोग का बैकग्राउंड है, जहाँ पे लड़के खेलते हैं, काफी अच्छा बैकग्राउंड है, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए दृश्य फाइनली गाइस, जहाँ से हम चले थे वहाँ आ गए हैं, घर से निकले थे यहीं से, अब यहीं फिर आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं मौसम भी अभी भी वैसा ही है जैसे सुबह में था, ठीक है, देख सकते हैं बादल वाली, और यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं, और आप देख सकती हैं हमारी भतीजी है, ये बहुत क्यूट है, हंसी बहुत है। देखिए आने के लिए वो करने लगी, अच्छा आ भी रही है, और इसे हम पूछेंगे चंदा मामा किधर है, ये बताएगी। चंदा मामा किन्नी बाबू, चंदा मामा किधर है, देखो चंदा मामा किधर है, चंदा मामा किन्नी बता दो किधर है, चंदा मामा ऊपर, देखिए ये दिखा रही है, आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये है चंदा मामा।